सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से है, जहां कल नागरिक संशोधन विधेयक कानून को लेकर जुमे के दिन लोग नमाज के बाद सड़क पर उतरे थे और विरोध प्रदर्शन में जमकर बवाल हुआ था। इस बवाल में जहां प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की थी, वहीं पुलिस ने आंसू गैस के साथ ही लाठीचार्ज किया था, जिसमें आज पुलिस ने 27 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। सत्यम न्यूज पर देखिए पूरे 27 उपद्रवियों की लिस्ट। नागरिक संशोधन कानून के विरोध में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव किए जाने के आरोप में पुलिस ने जहां 200 अज्ञात उपद्रवियों सहित 27 लोगों को नामजद किया है, वहीं कोतवाली पुलिस ने इन 27 लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए यह आरोप लगाया है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के संबंध में हो रहे विरोध को लेकर कोतवाली पुलिस शांति व्यवस्था की ड्यूटी में तैनात थी, जहां मुल्ला पिरखापुर में कमला गन हाउस के समीप पुलिस मौजूद थी। तभी लगभग 3:15 बजे शाम अचानक कम्मू, अंबर नीम, आदिल मसाल टाकिज, अजमत हसन कजियाना, तनवीर अंसारी काजीपुर, शाकिर जल्लापुर नई बस्ती, आदिब खान पश्चिम तरफ, कासी घमाहापुर, पिंटू उर्फ मिंटू आलमपुर, नसीम का पुत्र गौरियाना जमुंद, दानिश नुरखापुर बिरयानी वाले, टीपू कटरा बाजार, नदीम अंसारी जलालपुर अयोध्यापुरी, अख्तर बधवा नई बस्ती, अरसू खान जमुंद, सलीम जानू शहीद, इमरान जमुंद, बिलाल अंसारी गुलाम ईसापुर, रऊफ खान घमाहापुर, इमरान हबीब अंबरनीम, सन्ना कजियाना, अबरार गुलाम ईसापुर, मुशर्रफ खान गुलाम ईसापुर, सद्दाम खान जमुंद, कल्लू अंसारी कटरा बाजार, मोहम्मद जैद गुलाम ईसापुर, मोहम्मद सारिक काजीपुर, अमान अंसारी गुलाम ईसापुर सहित कुल 27 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि यह सभी 200 अज्ञात व्यक्तियों के साथ काजीपुर की तरफ से एक राय होकर शासन विरोधी नारे लगाते हुए उत्तेजक भाषण देते हुए अपने हाथों में तख्ती व झंडे लेकर आ पहुंचे। इन सभी को समझाया बुझाया गया, जबकि जनपद में धारा 144 लागू थी, इसका हवाला भी पुलिस ने दिया। उन्हें वापस जाने के लिए भी कहा गया, लेकिन इन सभी ने पुलिस की बातों को दरकिनार कर उत्तेजक नारेबाजी करने लगे, गाली गलौज देते हुए ईंट पत्थर चलाने लगे, जिसमें माहौल पूरी तरह अनियंत्रित हो गया। भगदड़ मच गई। लोग अपने अपने घरों तथा दुकानों को बंद कर दहशत के कारण इधर उधर भागने लगे। सामाजिक ताना बाना तथा लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया। मौके पर पुलिस फोर्स बुला ली गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के पास मौजूद एंटी राइट उपकरणों में से टीयर गैस के 22 राउंड, एंटी राइट गन से 4 राउंड, हैंड ग्रेनेड टीयर स्मोक से 4 राउंड फायर किया गया। काफी मशक्कत के बाद भीड़ को नियंत्रित किया जा सका। यह सभी मौजूद लोग पुलिस को धमकी देते हुए आसपास की गलियों में भाग खड़े हुए। पुलिस ने इन सभी 27 नामजद व 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 151, 152, 153, 160, 186, 188, 189, 295A, 307, 323, 504, 506, 332, 353 सहित सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। भदोही से सत्यम न्यूज वेब टीवी की रिपोर्ट।